जो जूना-III में सिविक एक्शन प्रोग्राम के द्वारा क्या क्या आज आपने जो कार्य जो किया था? CRPF के सिविक एक्शन प्रोग्राम लगातार 186 बटालियन के द्वारा किया जा रहा है और किया जाता रहा है, पहले भी और बाद में भी होता रहेगा। इसी के अंतर्गत जूना-III जो बॉर्डरिंग एरिया है आसाम अरुणाचल का, बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है, यहाँ कम्युनिटी हॉल का डिमांड था बहुत दिनों से, तो उसको हमने रिनोवेशन किया और एक्सटेंशन भी दिया। पहले छोटा था, कम लोग बैठते थे, सामाजिक अलग अलग डिस्प्यूट को क्लियर करने के, बच्चे लोगों को पढ़ने के लिए गैदरिंग के लिए कम था, इसलिए उसको हमने बड़ा किया और उसको अच्छे से इनको सपोर्ट किया कि आप इसको उपयोग अच्छा करें। और 186 लगातार अगल बगल जो भी गांव है और जिस डिस्ट्रिक्ट में हमारा डिप्लॉयमेंट है कंपनियां, वो सब जगह हम कभी फुटबॉल, कभी कल्चर प्रोग्राम, डस्टबिन, लाइब्रेरी, बस स्टैंड कब कराते रहते हैं, और उसी के तहत ये भी था। और हमने आज इस संदर्भ में गांव के बहुत सारे महिलाएं भी इसमें शामिल हुई, इसका अर्थ है कि ये गांव शिक्षित है, अवेयरनेस की ज़रूरत है, शिक्षा तो है लेकिन अवेयरनेस नहीं है। उसी के तहत हमने बताया भी, कम्युनिटी हॉल सिर्फ डिस्प्यूट को क्लियर करने के लिए बैठे नहीं, मीटिंग नहीं करें, या एजुकेशन, बच्चे को एजुकेशन भी देने के लिए महीने में 2 या 3 बार बताएं, क्विज कंडक्ट करें, एजुकेशन का बहुत सारा जो सिस्टम है, संस्था है, उसको बुला करके यहाँ ऑर्गेनाइज करें और इस कम्युनिटी हॉल का उसी में उपयोग करें, जिससे कि इनका गांव अच्छा हो। जब गांव अच्छा होगा तभी समाज अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा तो सब शांति रहेगा, कोई उग्रवाद नहीं होगा, और इससे हमारा CRPF का रोल भी कम हो जाएगा। जब शांति होगा तो हमारी कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो हमने यही मोटिवेट किया, खास करके महिलाओं को, कि अपने पति या बच्चों को जरूर बताएं कि पढ़ें, जिससे कि समाज और परिवार और हमारा भारत अच्छा बने। जय हिंद, जय भारत। जूना-III में सिविक एक्शन प्रोग्राम 186 बटालियन CRPF द्वारा आज किया गया है, जो कम्युनिटी हॉल का एक्सटेंशन, उसका संदर्भ में आप CRPF को क्या कहना चाहोगे और किस तरह धन्यवाद देना चाहोगे? हम लोग आज बहुत सुखी हैं, तो 186 Bn CRPF कमांडेंट की तरफ से जो हम लोग का पहले बनाया हुआ था, छोटा हुआ था ये कम्युनिटी हॉल, अभी बहुत एक्सटेंशन करके बड़ा हो गया है। अभी हम लोग मीटिंग बढ़ने के लिए, मीटिंग में कोई प्रोग्राम में बढ़ने के लिए हम लोग सुविधा किया हुआ है, इसलिए हम लोग सभी गांव का तरफ से कमांडेंट साहब को और 186 Bn CRPF को हम लोग धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोग का जो इतना इंटीरियर बस्ती में, गांव में हम लोग का आके अभी सहायता क्या है, इस वजह से हम लोग सभी गांव का तरफ से हम लोग से धन्यवाद देता हूँ कि भविष्य में भी हम लोग का ऐसे और आगे बढ़ाए। थैंक यू। और किस किस तरह जो आप यूज़ करेंगे ये कम्युनिटी हॉल को? इसमें हम लोग मीटिंग कराएंगे, मीटिंग तो हम लोग हर महीना पंचायत का तरफ से भी होता है, बस्ती का तरफ से भी होता है, और कुछ अभी खेल कूद का भी बाजे में उन लोग प्रोग्राम होता है, ऐसे बहुत सा ये काम आएगा हमारा। अभी राजकुमार चित्रा साहब ने बताया कि CRPF लगातार कुछ न कुछ वर्क करते रहती है, जहाँ डिप्लॉयमेंट होता है वहाँ अगल बगल सराउंडिंग एरिया में जो भी पॉपुलेशन होता है, गांव होता है, उनके ज़रूरत के अनुसार हम काम करते रहते हैं, पूछते हैं कि क्या आपको ज़रूरत है, तो उस आपके द्वारा ही बताया गया था, तो इसका एक्सटेंशन एवं रिनोवेशन जो किया गया इसका मुझे आशा है कि आप इसका उपयोग ठीक ठाक करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे। और बॉर्डर एरिया है ये, पहले मैं 2 साल पहले इस एरिया में आया था, इस एरिया पूरा जब यहाँ पोस्टिंग में आया था तो पूरा एरिया इधर घूमा था बहुत दूर दूर तक, तो उसे बहुत बुरे हाल थे रोड उड का। कम्युनिटी हॉल का यहाँ प्रचलन बहुत ज़्यादा है, लेकिन खास करके मैं देखा हूँ जहाँ तक लड़ाई झगड़ा होता है आपस में पंचायती, उसी के लिए इसका यूज़ ज़्यादा कर, क्या सही है क्या, ये किस चीज़ का यूज़ करते हैं? पारिवारिक, सामाजिक झगड़ा, कोई डिसीजन लेना, उसके लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, सही बात है ना? लेकिन मेरा एक अलग एक हम बताना चाहते हैं कि इसका उपयोग और जगह भी कीजिए। एजुकेशन आपका थोड़ा बढ़ा है, मैं सुना हूँ रोड उड बनने से, ब्रिज बनने से, ये सब बढ़ने से थोड़ा गांव का इस बच्चे का स्कूलिंग अच्छा हुआ है, एजुकेशन ठीक हुआ है। इसका मकसद ये है कि इस कम्युनिटी हॉल को पढ़ाई के तौर पर भी यूज़ कीजिए, इसमें एक आध लाइट लगवा लीजिए, बताइएगा तो आगे हम लाइट भी लगा दे रहे हैं, लेकिन अपना भी लगा सकते हैं, आप लाइट लगा लीजिए, एक जगह बैठ के कम्युनिटी वाइज, एक बच्चा सब पढ़ने वाला है 9, 10, 11, 12 जॉब के लिए, तो 10-5 लड़के ग्रुप बैठ के यहाँ पढ़ भी सकता है,
और अच्छे चीज बताने के लिए भी मीटिंग आप लोग किया कीजिए, सिर्फ लड़ाई झगड़ा के लिए नहीं, अवेयरनेस के लिए भी, कोई गलत काम नहीं करे, गंजा भांग चरस जो पीते हैं लोग सब लोग, और ये सब छूटेगा तो अपने आप पढ़ाई करेगा, तो पढ़ाई के लिए और ये दो काम जरूर इस कम्युनिटी हॉल का यूज कीजिए, सिर्फ लड़ाई झगड़ा सुलझाने के लिए मत कीजिए। आज हम लोग बहुत सुखी हैं, हम लोग आज सभी गांव के तरफ से 186 सीआरपीएफ बीएन आमंत्रित करता हूँ कि वेलकम करता हूँ कि हम लोग का जो पहले से एक छोटा मोटा कम्युनिटी हॉल था उस कम्युनिटी हॉल को आज इतना सुंदर से 186 बी एन सीआरपीएफ की तरफ से एक्सटेंशन किया हुआ है, अभी से हम लोग का बहुत ये सुविधा होगा। पहले हम लोग 50-60 आदमी बैठने के लिए प्लेस था, तो अभी तो बहुत बड़ा हो गया है, 100 आदमी से ज़्यादा हम लोग बैठ सकते हैं, इसीलिए हम लोग बहुत खुशी है।